तब चलो हम फ्रिक्शन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले वो हम लिखा देते हैं। देखो फर्स्ट में है जैसे फ्रिक्शन, जैसे ये डायग्राम देखो, ये देख रहे हो, इसमें ये है कि जैसे ये होता है एफ सी कंटेक्ट फोर्स। तो कंटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट सॉरी द कंपोनेंट ऑफ इन हॉरिजेंटल एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स, और वर्टिकल क्या होता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो लिखो एफ सी क्या है, कंटेक्ट फोर्स। सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल इसी में है आगे है वो एफ सी क्या है, कंटेक्ट फोर्स है। लिखो द कंपोनेंट ऑफ कंटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट किया जाता है या आर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, और लिखो द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल टू द फोर सरफेस। इज नोन एज नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा जल्दी लिखो, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद में सेकंड में लिखो द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो इसमें जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, पहले सब कुछ लिखाया हूं जस्ट सुन लो। जब एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड पे स्लिप करता है या स्लिप करने की टेंडेंसी होता है तो उस केस में एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जब स्लिप करता हो तो उस केस में जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और स्लिप करने की टेंडेंसी हो तो उस केस में जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे मान लो कि इस पे इसको हमने रख दिया, अभी इसका टेंडेंसी है मूव करने की, नहीं। इस पे मान लो कि हमने 2 न्यूटन लगाया तो क्यों नहीं मूव किया, मूव नहीं किया क्योंकि ए सरफेस, इस पे 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया। अब जैसे इसको हम 10 न्यूटन लगाए तो भी नहीं मूव कर रहा है, यानी कि ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये सरफेस इस पे 10 न्यूटन लगा दिया। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, और फ्रिक्शनल जैसे इसको हम डिनोट करते हैं एफ एस से और इसको हम डिनोट करते हैं एफ के से। ठीक है, ये सारा बुकलेट में गिवन है तो वहाँ पे कर लोगे। तो एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एन होता है और एफ के इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एफ एस इज जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन देते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट देते हैं, तो इसमें हम देते हैं म्यू एस टाइम एन। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम म्यू एस टाइम्स एन होता है। ठीक है, और इसमें कोई ये तो इसका वैल्यू फिक्स होता है और एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के टाइम्स एन। और म्यू के क्या है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस क्या है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस जो होता है याद रखना है लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बीच में वेरी करता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होता है। और एक और चीज याद रखना है, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फोर्स का वो ज़्यादा होता है
कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब लिख लो। समझ गए। उसके बाद में एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। और एक ग्राफ भी होता है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे होता है और ऐसे कुछ होता है। ये होता है एफ एस और ये कितना होता है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ये हो गया तुम्हारा एफ एस मैक्सिमम। इधर है तुम्हारा एफ फ्रिक्शनल फोर्स और इधर में है तुम्हारा अप्लाइड फोर्स एफ, अप्लाइड फोर्स। देख रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो से लेकर एफ एक्स एफ एस मैक्सिमम तो वेरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखो एंगल ऑफ रिपोज। एंगल क्या नोट कर लो, उसके बाद लिखो एंगल ऑफ रिपोज। क्या लिखे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज लिख लिए। देखो द मिनिमम एंगल, द इन मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल, द मिनिमम एंगल दैट मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, when a body placed on it just begins to slide down। देखो जैसे सपोज करो कि हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये तो इसका इंक्लिनेशन तो नहीं, जब ऐसे से हम करते जाते हैं, ऐसे से हम इसको इंक्लाइन करते जाते हैं, तो मिनिमम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा कि जस्ट ये बॉडी क्या होगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। इस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। ठीक है, ये जस्ट स्लाइड करेगा नहीं, जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एंगल ऑफ रिपोज, जैसे ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, यहाँ पे एम है। ठीक है, तो जब थीटा हम रख देते हैं तो जस्ट स्लाइड करना शुरू हो जाता है। तो याद है ना हमने कैसे बताया था, इस पे हमने बताया था कि इस पे नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ एस लगेगा। समझ रहे हो कि जस्ट स्लाइड करना शुरू हो जाएगा तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू
एफ एस मैक्सिमम लगना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये कितना होता है म्यू एस टाइम कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, और इस केस में एन इक्वल टू कितना होता है, तो इस केस में हम लिख देंगे म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू हम लिख देंगे म्यू एस एम जी कॉस थीटा, तो एम जी से एम जी गया और कॉस को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कितना हो जाएगा टेन थीटा म्यू एस हो जाएगा, हमको क्या निकालना है थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे टेन इनवर्स म्यू एस। चलो नोट कर लो इसको, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन डाउन ए रफ रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एंगल मान लो कि थीटा है, ये नीचे की ओर एक स्लाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। अच्छा तो स्लाइड कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, स्लाइड कर रहा है काइनेटिक लगेगा, तो तुम बताओ इस डायरेक्शन में मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ये है, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कितना लगेगा एफ के, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए लिख देंगे। अच्छा फर्दर इसमें हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा और एफ के इक्वल टू क्या लिखाया था म्यू के टाइम्स एन, एन इक्वल टू हम लिख देंगे एम इंटू ए, समझ गए। फर्दर इसमें हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के टाइम्स, और इस केस में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे हम एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एम इंटू ए हो जाएगा। अब इस एम से एम को कैंसिल कर दो, इसमें से जी कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, समझ गए। तो चलो पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद में वही बचा है
मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक्ड रोड और मैक्सिमम स्पीड ऑन सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड एंड सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड, बस जल्दी नोट कर लो। क्या हो गया? चलो तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक। हो गया, अब लिखो मोशन ऑफ ए कार। मोशन ऐसे ऐसे लिखो, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। रोड ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो कि कार से जाते हो, कहीं पे जाते हो, तो सडन कार जब टर्न लेती है तो हमारा टेंडेंसी क्या होता है? अवे फ्रॉम द, जैसे मान लो कि ऐसे है मान लो कि कोई एक सर्कुलर टर्निंग है, कोई कार ऐसे जा रहा है, ठीक है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? अवे स्कीड करने की। इसका टेंडेंसी क्या होगा? अवे स्कीड करने की। तो इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ एस, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ एस, ठीक है। और ये भी जानते हो सर्कुलर मोशन के केस में नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू कितना होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये भी जानते हो। तो इस केस में जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो एफ एस है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में आप लिखेंगे एफ एस क्या क्या वर्क एनर्जी में थर्ड चैप्टर में मेसन एंड प्लेन, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूला याद रखना, उसका डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो इसमें सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? एफ एस। तो हम लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। इसको इक्वेशन वन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी जानते हो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन होता है, और इस केस में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। तो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स कितना हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो एफ एस के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये कितना हो जाएगा? म्यू एम जी हो जाएगा। तो एम सी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू आर जी हो जाएगा। तो वी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? म्यू आर जी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वी की, समझ रहे हो ना, अगर जब मैं लिख दिया एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें v की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट म्यू आर जी। अगर इतना स्पीड से जाएगा तो स्कीड नहीं करेगा, ठीक है। अगर इससे स्लाइटली ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्कीड कर जाएगा,
क्या समझ गए? इसमें नोट कर लो पूरा, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, कर लिए। तो सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन क्या लिखोगे? बैंक रोड, बैंक रोड, तो चलो ये सब हटाते हैं। सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड, तो ये जानते हो कि जहाँ भी हाईवे है, हाईवे जहाँ पे टर्न लिया जाता है वहाँ पे कुछ ऐसे बैंक कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ऐसे लिया एक, और अभी जो मैं कराया वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बैंक कर दिया, सपोज करो कि हमने थीटा से इसको क्या कर दिया, बैंक कर दिया। तो यहाँ पे अगर मान लो कि कोई कार है और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस पे क्या क्या लगेगा जल्दी बता दो। नॉर्मल लगेगा, नीचे की ओर एमजी लगेगा। अच्छा चलो, अभी तो एमजी जब लिखी दिए तो एमजी साइन थीटा क्या लिख दें? इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? देखो जब मैक्सिमम स्पीड से करेंगे, मैक्सिमम स्पीड से करेंगे, देखो इसमें दो कंडीशन होता है। अगर सर्टेन स्पीड से मैक्सिमम करेंगे तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? ऊपर जाने की ओर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। अगर एक मिनिमम स्पीड से कम करेंगे तो इसका टेंडेंसी नीचे जाने की ओर होगा, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो जो एनसीईआरटी में गिवेन है कंडीशन, वो गिवेन है कि इसमें गिवन है कि मिनिमम स्पीड से कितना चलाया जाए, ठीक है। तो उस केस में टेंडेंसी क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड से अगर चलाया तो उसका टेंडेंसी क्या होगा? ऊपर जाने की ओर होगा, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? नीचे ओर लगेगा। इस केस में हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वी मैक्स निकालना है। सुनो थोड़ा सा, अच्छा ये बताओ कि जो मौत का कुआं देखे ही हो, ठीक है, मौत का कुआं में जो एक बाइसिकल साइकिल बाइक चलाता है, तो जब स्पीड ज़्यादा करता है तो क्या होता है? ऊपर आता है, ऊपर आता है। जब स्पीड नीचे करेगा तो, थोड़ा स्पीड कम करेगा तो नीचे जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर सर्टेन स्पीड से ज़्यादा से चलाएगा तो उसका टेंडेंसी क्या होगा? ऊपर जाने की ओर, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा। ये मैक्सिमम स्पीड हमको निकालना है, ठीक है। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो ये सेंटर है, ये भी एंगल, एक मिनट, ये तुम्हारा रेडियस आर है और ये सेंटर है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, बता दो यस और नो। अच्छा सपोज करो कि इसको हमने वाई ले लिया और इसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा ए एंगल थीटा है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो फिर से मैं फिगर बनाता हूँ, एक मिनट। देखो ऐसे फिगर हमको ने ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कार यहाँ पे है, ठीक है, तो एक तो नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लगेगा, और एम जी हमने बताया था क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी ऐसे लगेगा और एफ एस तुम्हारा ऐसे लगेगा। और मान लो कि इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है और ऐसे है, ए थीटा है, ए भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, तो ए एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, समझ गए? इसमें तो और कुछ कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको सपोज करो कि हमने एक्स डायरेक्शन ले लिया, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो
हम लिख सकते हैं ना नेट फोर्स टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखो तो इसमें कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स एफ एस और एम जी, तीनों का हम क्या लेंगे एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल का लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एन कॉस 90 माइनस थीटा, एफ एस का लेंगे तो एफ एस कॉस थीटा, और एम जी का तो लेंगे तो एम जी कॉस 90 हो जाएगा, तो एम जी कॉस 90 लिख देंगे छोड़ देंगे इज इक्वल टू सेंटर के एम वी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और सेंटर क्या है एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा प्लस एफ एस को हम क्या लिख सकते हैं म्यू टाइम सेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एन टाइम एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। कॉस 90 तो जीरो होता है इसलिए हमने छोड़ दिया इसको, यहाँ से एन कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यूएस कॉस थीटा एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया वन कर लिया। चलो जल्दी लिखो नोट करो जल्दी। और y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, अच्छा चलो अब मैं इधर लिखता हूँ y डायरेक्शन में, तो लिखेंगे नेट फोर्स y डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो ये कितना मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वाई डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में एन का कंपोनेंट जैसे ए एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ए एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो एन का कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है। और इस एफ एस का उसके निगेटिव से लेते हैं, ए एंगल तुम्हारा थीटा हो गया तो ए एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो ना, तो एफ एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा माइनस एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, और एम जी क्या है निगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो माइनस एम जी लिख देते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो एन कॉस थीटा, और फिर इसमें तो हम लिखेंगे म्यू टाइम्स एन साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कितना लिख देंगे एम जी लिख देंगे, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया टू कर दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब वन डिवाइडेड टू कर दो, वन डिवाइडेड टू कर दो, तो वन डिवाइडेड लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में, तो यहाँ पर लिख देते हैं n, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा आर, और ये कितना हो जाएगा एम जी, तो इस सेम से इस सेम को करो, इससे इसको कर दो, और इधर क्या बचता है आर जी, आर जी इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर जी और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर, तो वी मैक्स लिख दो और स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दो,
बस यही आ गया, जल्दी नोट कर लो इसको। ठीक है, थोड़ा और मैं कर देता हूँ। देखो इतना तक छोड़ सकते हो, या इसमें ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा वन वन, तो ये इसको हम लिख सकते हैं आर जी। हमने क्या किया इसमें, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू एस हो जाएगा अपॉन में वन माइनस म्यू एस टेन थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी मैक्स। चलो समझ लिए, तो यही है मैंने, तो एक बार मैं देख लूँ ऐसे है और फिर यहाँ तक करना है। ठीक है, ऐसे कर दूँ। अच्छा चलो, इसको तुम नोट कर लो। ठीक है, और यहाँ तक, या तो यहाँ तक छोड़ दो और नहीं तो यहाँ तक कर दो। ठीक है, समझ रहे हो, तो चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉज ऑफ मोशन का हमने करा दिया, अब क्या करना है, तुम लोगों को इस सारे क्वेश्चन को कर लेना है, और एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल सोल्व किया हुआ है उसको कर लेना है। ठीक है, चलो ठीक है।